देखो बच्चों, कल हमने पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू। फिर हमने पढ़ा कॉस स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला पढ़ा वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू। फिर हमने पढ़ा साइन की पावर फोर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं और कॉस की पावर फोर एक्स को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, स्क्वायरिंग कर करके दो बार करते हैं ना। फिर हमने पढ़ा साइन ए कॉस बी आ जाए, कॉस ए साइन बी आ जाए, साइन ए साइन बी आ जाए, कॉस ए कॉस बी आ जाए, उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं। उनके हमने चार फॉर्मूलाज पढ़े। अब हम उसके आगे आज पढ़ेंगे, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे आज हम पहले सीखेंगे कल के में डाउट थोड़ी क्वेश्चन है। अब देखो कल आज हम सीखेंगे क्यूबिक का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन क्यूब आ जाए तो। इसको करने के मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा। पहला तरीका वो तरीका जो बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, लेकिन वो तरीका ज्यादा यूजफुल नहीं है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों नहीं है। एक और तरीका सिखाऊंगा जो बहुत ज्यादा यूजफुल है और उससे ज्यादातर आंसर आ जाएंगे और इजी भी पड़ेगा। तो पहले हम सीखते हैं जो बुकिश मेथड जो हमारी बुक में दे रखा है। मैं आपको मना करूंगा इस तरीके को लगाने के लिए, फिर भी क्या हम जानते हैं कि साइन थ्री एक्स क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जानते हैं, थ्री साइन एक्स होता है माइनस का फोर साइन क्यूब एक्स होता है। तो मैंने देखो साइन क्यूब एक्स के इंटीग्रेशन की बात चल रही थी, तो बेटा साइन क्यूब एक्स को हम जब तक इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक हम उसको प्लस माइनस में कन्वर्ट नहीं कर लें। भाई हमने कल यही सीखा कि मल्टीप्लाई में फंक्शन होगा, उसको हम कोई भी जोड़ तोड़ लगा के प्लस माइनस में कन्वर्ट कर लें तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहां से मैंने साइन क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल लिया और वो वैल्यू आया वन अपॉन फोर टाइम्स थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स। बोलो वैल्यू यही आया क्या? देखो ना ये इधर आके माइनस का हो गया, फोर नीचे आके डिवाइड हो गया। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम साइन क्यूब एक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं और बकायदा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही हम कॉस थ्री एक्स के फॉर्मूले से कॉस क्यूब वाले फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएंगे, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। तो यहां से मैं कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू निकाल लूं, तो वो आएगा वन अपॉन फोर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इससे हम कॉस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। क्यूब की पावर तो हमारी सॉल्व हो जाती है, क्यूब वाला फंक्शन तो सॉल्व हो जाता है। जैसे हमने स्क्वायर पढ़ा था, स्क्वायर आया था, पावर फोर भी आया था। पावर सिक्स और पावर एट हमारे कोर्स में नहीं है तो वो नहीं देगा, है ना भाई। उससे बड़ी पावर बेटा हमारे कोर्स में नहीं देगी तो वो नहीं देगा मतलब। अब वो लेकिन क्यूब में दिक्कत करता है। पावर थ्री हमारे कोर्स में है, पावर फाइव हमारे कोर्स में है, पावर सेवन हमारे कोर्स में है, पावर नाइन हमारे कोर्स में है। तो अब यहाँ पर तो हम फंस जाएंगे ना भाई, क्यूब का तो फॉर्मूला पता था, क्यूब के फॉर्मूले से बच के आ गए, लेकिन पावर फाइव आ गई तो फिर फंस जाओगे आप। अब ऐसा कोई फॉर्मूला आपको साइन का याद आ रहा हो जिसमें पावर फाइव आती हो? तो शायद नहीं आ रहा याद, ठीक है ना। तो अब उसमें बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना। तो हम उसके लिए अब हम दूसरा तरीका सीखेंगे ना। ये पहला तरीका हो गया, मैं आपको करके दिखाता हूँ क्वेश्चन एक बार इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर फोर हमारी बुक में दे रखा है साइन क्यूब का। ये आपने कॉपी कर लिया क्या? कॉपी कर लो, एक बार कॉपी कर लो। वो तरीका आपको याद नहीं है तो ये तरीका काम कर जाएगा, क्यूब में तो कम से कम काम कर जाएगा, बड़ी पावर में नहीं गए कोई बात नहीं। भाई हमें क्यूब को प्लस माइनस में करना था, उसका एक ही तरीका था मेरे बेटा हमारे पास, अब वो था साइन थ्री एक्स वाला फॉर्मूला लगा दे। वरुण कॉपी हो गया क्या? वरुण ठीक है।
चलो बेटा मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फॉर्मूले कॉपी हो गए ना बेटा, तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बेटा। अरे एक सेकंड बेटा, ये बॉडी बंद हो गया। वरुण स्क्रीन आके, वरुण हाँ, तो मेरे को इंटीग्रेट करना है साइन की पावर साइन क्यूब 2x+1। क्वेश्चन नंबर 4 करके दिखा रहा हूं, तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेंगे, हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो मेरे को भी वाला फॉर्मूला याद नहीं है, काम ही नहीं लेते कभी वो फॉर्मूला। साइन 3x होता है 3 sin x माइनस 4 sin³x, और यहां से मिल जाएगा फॉर्मूला मेरे पास 1/4, बाहर रख लूंगा 3 sin x। साइन एक्स मतलब क्या, एक्स का मतलब यहां पे क्या है, माइनस साइन 3x। तो एंगल का 3 गुना करना है, इस एंगल का 3 गुना कर दो, इस एंगल का 3 गुना कर दो, और इसका इंटीग्रेट करना बहुत अच्छी तरह आता है हमारे को। 1/4 लिखो, 3 को 3 लिखो बेटा, साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस का कॉस, और एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में आता है, वो गलती मत करिएगा। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस, और एक्स का कोफिशिएंट अपॉन में आता है। आप कॉपी कर लीजिए। देखो अब मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा, वो तरीका वंडरफुल तरीका है, बहुत तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर देगा आपके। हाँ हाँ सही कह रहे हो, अब मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा बेटा, बहुत अच्छा तरीका है, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। यस सर। हाँ देखो बेटा, कई बार ऐसा होगा हमारे पास साइन की पावर ऑड आ जाएगी, कई बार ऐसा होगा हमारे पास कॉस की पावर ऑड आ जाएगी, कभी ऐसा भी होगा हमारे पास साइन की पावर ऑड लिखी हुई दिखेगी हमारे को, और कॉस की पावर इवन लिखी हुई दिखेगी। कभी ऐसा भी होगा हमारे साथ कॉस की पावर तो इवन लिखी हुई दिखेगी हमारे को, और साइन की पावर ऑड लिखी हुई दिखेगी हमारे को, और कभी ऐसा भी होगा हमारे साथ साइन की पावर भी ऑड लिखी हुई दिखेगी हमारे को, और कॉस की पावर भी ऑड लिखी हुई दिखेगी हमारे को। फिर आप बोलोगे सर आपने ये तो लिखा ही नहीं, साइन की पावर भी इवन लिखी हुई दिखेगी और कॉस की पावर भी इवन लिखी हुई दिखेगी, ये हमारे कोर्स से हट चुका है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए द मवायर थ्योरम लगानी पड़ती है, जो हमारे कोर्स में नहीं, तो फिलहाल मैं उसकी बात नहीं कर रहा आपसे, तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। हमारे कोर्स से हट चुका है, इसमें इमेजिनरी रूट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है। तो मेरा फोकस है आपके साथ ऑड पावर को लेके फोकस है मेरा आपसे, ऑड है ना यहाँ पे, ऑड है कि एक ना एक जगह तो ऑड दिख रहा है मेरे को, और दोनों जगह दिख रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो मैं आपको इतनी सी बात समझाना चाहूंगा यहाँ पे, जब भी आपको ऑड लिखा हुआ दिखेगा तो आप उसको प्लस वन में तोड़ोगे, बस इतनी सी बात अभी याद कर लो, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा करते कैसे है। जब 3 लिखा हुआ दिखा आपको पावर में तो प्लस वन में तोड़ना है, अगर आपको 5 लिखा हुआ दिखा पावर में तो आपको बस प्लस वन में तोड़ना है, कुछ नहीं करना है, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। 7 लिखा हुआ दिखा आपको प्लस वन में तोड़ना है, 9 लिखा हुआ दिखा आपको प्लस वन में तोड़ना है, सिर्फ इतनी सी बात समझ लो बेटा, यही बात समझ लो, जो ऑड होगा उसको प्लस वन में तोड़ना है, बाकी तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ प्लस वन में तोड़ना है।
चाहे तो कौन सा कॉपी कर ले, नहीं तो इतना देखो और आएगा पावर, और आएगी साइन कॉस में किसी की, तो उसको हम प्लस वन में तोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बात आती सर कैसे आंसर आ जाएगा, आप तो कह रहे हो आंसर आंसर आ जाएगा, तो आएगा कैसे आंसर समझाओ जरा सा। साइन की पावर मान लो 5 आ गया आपके पास, यस क्यूब से स्टार्ट करते हैं काम करते हैं, साइन की पावर 3 आ गया आपके पास। हो सकता है क्यूब वाला तरीका आपको लगे सर वो तरीका ज्यादा अच्छा जो पहले सिखाया था आपने, ये तरीका थोड़ा गंदा है, ठीक है ना, लेकिन पावर 5 आएगी, पावर 7 आएगी, तो आपको समझ में आएगा कि ये तरीका बाकी अच्छा है। तो मैंने आपको कहा पावर को तोड़ना है 2 और 1 के अंदर। अच्छा किसी नंबर की पावर मैं लिखूं बी प्लस सी, तो ऐसे लिखने की जगह मैं ऐसे लिख दूं अगर आपको एतराज ना हो तो, ए की पावर बी इंटू ए की पावर सी। तो मैं आपको यही कह रहा हूं मेरे बेटा कि मैं इसको लिख दूं ऐसे, एक ही बात है क्या, 2 और 1 3 हो गया क्या, देखो आप। अच्छा अब आप देखो इसको तो छेड़ना भी नहीं है आपको, इस साइन एक्स डी एक्स को तो आपको छेड़ना भी नहीं है, है ना। अब आप इस साइन को बदलोगे, हमेशा इसको ही बदलोगे जो इवन में होगा, और साइन स्क्वायर एक्स का पार्टनर कौन है, तो आप बताओगे इसका पार्टनर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका पार्टनर आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ साइन स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता, 10th क्लास में पढ़ा हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब तो दिख रहा होगा आपको सॉल्व होता हुआ कि सर कॉस एक्स को आप टी मान लो, बाकी तो कहानी बराबर है, कॉस एक्स को आप टी मानो, देखो डेरिवेटिव करो क्या आएगा बच्चों, तो आएगा साइन एक्स डी एक्स माइनस का डी टी भी आएगा, उस माइनस को मैंने हाथ के ट्रांसफर कर दिया, और इस साइन एक्स डी एक्स की जगह तो मैं वैल्यू ले आऊंगा, तो इसका वैल्यू आएगा माइनस का डी टी, और यहां ब्रैकेट में देखेगा मेरे को 1 माइनस टी का स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन पता है मेरे को, 1 का इंटीग्रेशन टी होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3 होता है, और प्लस का सी होता है। तो यहां पे तो आप मेरे को राय दोगे सर साइन क्यूब एक्स साइन 3x वाला फॉर्मूला ही लगा लेते, बहुत सुखी थे उसके अंदर ही, इतना दुखी कर दिया आपने इसको लेके, ठीक है ना। तो क्यूब आए तो आप वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन अब पावर 5 आएगी तो समझ में आएगा इंपॉर्टेंस, समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, है ना। तो पावर आएगी तो प्लस 1 में तोड़ना है, साइन होगा तो कॉस बनाना है, कॉस होगा तो साइन बनाना है, यहां देखो साइन होगा तो कॉस बनाना है, कॉस होता तो साइन बनाते, फिर उसको टी मानते हैं, कॉस को टी मानेंगे, या साइन होगा तो वो कॉस होगा तो साइन को टी मानेंगे, और फिर अपने आप सॉल्व हो जाएगा एलजेब्रा बन के भाई, जैसे ये कन्वर्ट करोगे आप ये एलजेब्रा बन जाएगा, और एलजेब्रा होते सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला कॉपी कर लेना, इसको कॉपी मत करो, अगला सिखाता हूँ 5 पावर वाला 7 पावर वाला सिखाता हूँ, उसको आप कॉपी कर लेना, इसको कॉपी मत करो, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा। चलो बताओ कॉस की पावर 7/6 ले लेते हैं इस बार, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस की पावर 7 ले लिया, तोड़ना है इसको प्लस 1 में तोड़ना है, प्लस 1 में तोड़ना है, तो सर प्लस 1 में तोड़ दिया, कॉस की पावर 6 लिख दिया, कॉस एक्स लिख दिया, डी एक्स लिख दिया, थैंक यू बेटा, है ना। अब कॉस की पावर 6 लिखा बेटा, 6 क्या होता है, 2 की पावर 3 होता है क्या, बताओ। तो आप कहो तो मैं यहीं पे सही कर दूं उसको, ये 6 क्यों लिखा है मैंने, मेरे को पता है 2 की पावर 3 लिखना है, तो मैं इसको हाथ के सही कर दूं, भाई हमें तो मेरे को पता है मेरे को कॉस स्क्वायर लाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है मेरे बेटा। तो बस मेरे बेटा यहाँ से मैं इसका इसको सॉल्व करूंगा, इसकी जगह वैल्यू ले आऊंगा, और मैंने मना किया इसको तो अपन छेड़ेंगे भी नहीं, ये तो कटेगा डी टी बनेगा हमेशा, तो अब मैं वैल्यू ले आऊंगा, किसका वैल्यू ले आऊंगा, तो आप बताओगे सर कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू ले आओगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्यूब को छेड़ोगे भी नहीं, इसको छेड़ोगे भी नहीं, साइन एक्स को अब आपने टी मान लिया, तो क्या आएगा बेटा, तो आप बताओगे सर आएगा कॉस एक्स डी एक्स डी टी, बोलो हाँ या ना बेटा,
कॉस एक्स डी एक्स डी टी, तो ये आ गया कॉस एक्स डी एक्स डी टी आ गया। ये क्या बनेगा तो आप बताओगे, सर ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल क्यूब डी टी। अच्छा ए माइनस बी का क्यूब तो बहुत अच्छी तरह पता है हमारे को क्या होता है, तो आप बताओगे ए का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। और अब ये सिंपल सी एल्जेब्रिक इक्वेशन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। थ्री ए स्क्वायर बी फोर आएगा, टी की जगह वैल्यू लिया ना, टी का वैल्यू क्या था, साइन एक्स था। अब इसको अगर वैसे सोचते बहुत टाइम कॉस की पावर सेवन कॉस क्यूब इंटू कॉस क्यूब इंटू कॉस, फिर कॉस क्यूब का वैल्यू क्या आते फिर उस वैल्यू आता फिर मल्टीप्लाई करते फिर बहुत सारे कॉस स्क्वायर आ जाते फिर कॉस स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या आते वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, मतलब बहुत टाइम खराब कर लेते खुद का, है ना बेटा। बोलो बेटा समझ में आया क्या वरुण? Yes, बेटा आपको समझ में आया, लोगों को समझ में आ गया बेटा? एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा कैसा, बस बस हाँ टी की वैल्यू ना है ना। हाँ जी मैं तो यहाँ लिखा भैया टी क्वेश्चन, तो आप ऐसे मत लिखना एग्जाम में ना, फालतू एग्जाम में गुस्सा होता है कि बच्चा इतना आलसी था कैसे वैल्यू भी नहीं लिखा। चलो बेटा एक इवन आ जाए एक ऑड आ जाए, मैंने क्या कहा ऑड वाले को तोड़ते हैं, इवन वाले को छेड़ना भी नहीं है ऑड वाले को तोड़ना है। तो ई ऑड कौन है, साइन क्यूब ऑड है, तो इस साइन क्यूब को तोड़ लेंगे ऐसे, तो इसका तोड़ क्या आएगा साइन एक्स, और इस कॉस स्क्वायर को छेड़ा भी नहीं, देखो मैंने ऐसे कैसे कॉपी कर रहा है, और इसको तोड़ा था मैंने साइन स्क्वायर यहां लिख लिया, और इसकी जगह कौन आएगा इसका पेयरिंग पेयर आएगा, पेयर आएगा इसकी जगह कौन आएगा सर पेयर आएगा, और पेयर कौन है तो आप बताओगे इसका पेयर है सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तोड़ते हमेशा ऑड वाले को है ना, 1 में तोड़ते हैं प्लस 1 में तोड़ते हैं, और अब तो ये गया साइन एक्स को, अब तो मान लो कॉस एक्स को टी, आगे तो मेरे ख्याल सबको आता है सॉल्व करना, कॉस एक्स को टी मानेंगे साइन एक्स आएगा डी एक्स आएगा माइनस का डी टी आएगा, माइनस तो बाहर आ जाएगा डी टी इधर आ जाएगा,
और ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4 डी टी। और सिंपल सी एलजेब्रा है, सॉल्व कर लेंगे बेटा। माइनस को मैंने अंदर भेज दिया और टी की जगह वैल्यू लाके पुट कर देना बेटा कॉस एक्स का। बोलो बात समझ में आई क्या? एक इवन एक ऑड है ना, ऑड वाले को तोड़ना होता है ना, ऑड वाले को तोड़ना होता है। बिल्कुल बेटा, देखिए ना, देखो एक इवन है और एक ऑड है। एक की पावर इवन है बेटा, एक की पावर ऑड है। तोड़ते किसको है? ऑड वाले को तोड़ते हैं, इवन वाले को छेड़ना भी नहीं होता। इवन वाले को तो कॉपी कर लिया, देखो इसको तोड़ा, दो अलग करा एक अलग करा, देखो दो अलग करा एक अलग करा, तीन था ना, दो अलग एक अलग। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता था बताओगे? ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉपी करा, ये कॉपी करा। अब कॉस एक्स को बेटा टी मान लिया, कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स आ गया और माइनस का डी टी आ गया। इसकी जगह वैल्यू आ गया माइनस का डी टी और ये बना 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का टी स्क्वायर। देखो माइनस को अंदर भेज दो तो दोनों का साइन चेंज और इंटीग्रेट कर दो। वरुण बताओ बेटा, आया क्या समझ में? Yes, sir. एक क्वेश्चन और करते हैं, दोनों ऑड आ जाएं तो। एक क्वेश्चन और करते हैं सर, दोनों ऑड आ जाएं तो क्या करें? ये भी ऑड है आपके सामने और ये भी ऑड है आपके सामने, दोनों ऑड है, किसको तोड़े? जो मन करे उसको तोड़ो बेटा, आपकी जैसी इच्छा। आप चाहो तो साइन को तोड़ो, आप चाहो तो कॉस को तोड़ो, नहीं जो आपका मन करे उसको तोड़ो, दोनों ऑड आ जाए ना। तो मेरी बात मानना, जो सिंपल उसको तोड़ना, जिसकी पावर छोटी हो उसको तोड़ना चाहिए। भाई जैसे मैं बोलूं, यहाँ तो दोनों की पावर बराबर लिखी है, जैसे एक की पावर मैंने लिखी होती 9 और एक की लिखी होती 3, तो अब मेरे को बोलते आप सॉल्व करने के, मैं छोटी वाली को तोड़ लेता, क्योंकि फिर मेरे को एक्सपेंड ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। बड़ी वाली को तोड़ूंगा तो मेरे को उतना ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा, समझ रहे हो? देखो मैंने, अगर मैं 9 को तोड़ूंगा मेरे बेटा, तो मेरे साथ लफड़ा क्या हो जाएगा? साइन की पावर 8x आ जाएगा और साइन एक्स आ जाएगा, और फिर मेरे को उसका पेयर देखने के लिए कॉस साइन स्क्वायर की पावर 4 करनी पड़ेगी, और फिर इसको मैं बनाऊंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4, और फिर मेरे को बाइनोम में लगा के इसको एक्सपेंड करना पड़ जाएगा। बहुत लंबा नहीं हो जाएगा क्या? पावर 4 आएगी तो, है ना, तो एक्सपेंड करने में टाइम लगेगा, और शायद हमने तो बाइनोम भी नहीं पढ़ा रिड्यूस सिलेबस के चक्कर में, तो हमें तो वो गाड़ी भी नहीं आती, तो है ना ये और दिक्कत हो जाएगी। तो छोटी वाली को तोड़ना चाहिए, मैं आपको दिखा दूँ कैसे तोड़ना चाहिए। छोटी वाली को तोड़ दो, छोटा कौन है? तो कॉस क्यूब छोटा है सर, तो कॉस क्यूब को तोड़ेंगे। क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है तो आप बताओगे? कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और साइन एक्स को टी मान लेंगे बेटा। अब तो आगे तो आप सबको आता है मेरे ख्याल में बेटा, मल्टीप्लाई करोगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है बस। कॉस एक्स डी एक्स आएगा, डी टी आएगा, तो ये तो बनेगा कॉस एक्स डी एक्स, तो ये हो गया टी की पावर 9, ये हो गया 1 माइनस टी का स्क्वायर, और ये हो गया डी टी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टी की पावर 9 टी की पावर 11 डी टी। इंटीग्रेट कर लेंगे तो टी की पावर 10 अपॉन 10 आ जाएगा क्या? टी की पावर 12 अपॉन 12 आ जाएगा क्या? तो हमेशा छोटी वाली को तोड़िएगा, है ना, हमेशा छोटी वाली को तोड़िए। टी की पावर 11 कैसे आया? अरे बेटा मल्टीप्लाई करो, इसको उससे करोगे, इसको उससे करोगे, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है बेटा। समझ में आ गया बेटा?
तो ये हमने सीख लिया ऑड पावर कैसे सॉल्व करते हैं साइन कॉस की। तो अब हमें समझ में आ गया साइन स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, साइन क्यूब कैसे सॉल्व होगा, पावर 4 आएगी तो सॉल्व कैसे होगा, 5 आएगी तो सॉल्व कैसे होगा, 7 आएगी तो सॉल्व कैसे होगा, 9 आएगी तो सॉल्व कैसे होगा। पावर इवन नहीं आएंगी काम में, है ना, 6 और 8 नहीं आएंगी, उनको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वो हमारे कोर्स के बियॉन्ड चली जाती है, तो वो नहीं आएंगी, है ना। हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। दोनों की पावर ऑड है, करने के दो तरीके सिखा रहा हूं। मेथड 1 जो मैंने अभी पढ़ाया, ये क्वेश्चन सिंपल है पता है आपको, तो एक और मेथड 2 भी है मेरे पास, ठीक है ना, इसको करने का। लेकिन पहले मेथड 1 सिखाऊंगा, ये पढ़ ले, अभी जो पढ़ा उसे आना चाहिए, एक बार अप्लाई करके देखें, तो जो अच्छा लगेगा उसको तोड़ेंगे। दोनों की पावर सेम है ना, ऑड है, तो जो मन करेगा उसको तोड़ेंगे। तो मेरे को पता है अगर मैं साइन को तोड़ूंगा, साइन को टी मानूंगा, तो कॉस एक्स आएगा, माइनस का चक्कर नहीं पड़ेगा, बाहर माइनस नहीं आएगा, तो मैं कॉस को तोड़ना चाहूंगा। इसको लिखा साइन क्यूब एक्स, इसको लिखा साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, और फिर मैं कॉस स्क्वायर एक्स को बदल लूंगा। पापा अभी चलते हैं थोड़ी देर बाद पढ़ा के। साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स। अब मैं साइन एक्स को टी मान लेता हूं बेटा, आगे तो बच्चों आता है ना समझ में, छोड़ दूं आगे। इसको करने का दूसरा तरीका, वरुण आगे ना समझ में, आगे कर लोगे, मैं करके दिखाऊं बेटा, नहीं सर कर लूंगा, है ना। हाँ सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ लेना देना नहीं है, देखो ऐसे हो जाएगा। ये एक तरीके से मैंने आंसर निकाल दिया इसका, है ना। पहला तरीका समझ में आ गया, मैं इसको उठा रहा हूँ तरीके को। अब मैं आपको मेथड 2 सिखाने जा रहा हूं। साइन क्यूब एक्स है, कॉस क्यूब एक्स है, तो ऐसे दिख रहा है क्या आपको, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, एक ही तो बात है, मैं सही वही तो लिखा है, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, कुछ कमी दिख रही है आपको, कुछ कमी अखर रही होगी इसके अंदर सर, एक 2 की कमी अखर रही है, अगर ये 2 और होता तो बात बन जाती, साइन 2x बन जाता ना बेटा, हो गया सॉल्व बेटा। देखो 1/8 बाहर आ गया, क्या बन गया, साइन क्यूब 2x। अब तो आता है हमें सॉल्व करना, 2-3 तरीके से आता है, तोड़ के कर लेंगे, फॉर्मूला लगा के कर लेंगे 3x वाला, जैसा आपका मन करेगा वैसे कर लीजिएगा, है ना बेटा। बोलू वरुण कर लोगे बेटा, मैं करके दिखाऊं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, 2-3 तरीके से कर जाएगा। पीछे का आंसर मत देखना, वो मेरे को पीछे तो एक ही तरीके से सॉल्व किया होगा भाई साहब ने, मेरे को पता नहीं पीछे उसने कैसे सॉल्व करा, मेरे को भी पता नहीं है ना, पता नहीं कैसे सॉल्व कर रखा होगा। हाँ पीछे का आंसर अलग अलग आ सकता है, मैं पहले बताई बात आपको, है ना। अब देखो बेटा हमारे, अब देखो हमारी बुक के क्वेश्चन में 1 हो गया, 2 हो गया, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, देख लो आप, 8 और 9 में करा रहा हूं अभी, मैं 9 करा कराने के लिए, बाकी 1 से लेके 7 तक सारे हो गए, 10 11 हो गए, 6 7 में कल होमवर्क में देते आपको याद होता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 8 देखो, 8 बेटा प्लीज साथ में करते जाइएगा होमवर्क वाला काम, साथ में है ना प्रैक्टिस, साथ में नहीं तो फिर फंस जाओगे बेटा, है ना। 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, बताओ 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है बेटा, फटाफट बोलो,
टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू है ना, और वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है, टू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, सॉरी टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, दो और दो कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस को मिला के टेन बोल देंगे, टेन स्क्वायर को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन होता है, और अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोल दो, टेन होता है एक्स बाय टू में, वन बाय टू अपॉन में आएगा क्या, एक्स का डेरिवेटिव अपॉन में आता है, याद करो एक्स का कोफिशियंट अपॉन में आता है, प्लस माइनस माइनस का एक्स आएगा और प्लस में सी बी आएगा क्या, टेन स्क्वायर हो जाएगा सही कर दो, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा, टेन स्क्वायर का तो पता नहीं, इसको बनाएंगे इसकी अपॉन में वन बाय टू आएगा, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन आता है ना, माइनस का एक्स प्लस, अब आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आ गया वन प्लस कॉस एक्स। अब बेटा देखो, आप लोगों ने भी फॉर्मूले याद कर रखे हैं, फॉर्मूले मैंने भी याद कर रखे हैं टेंथ क्लास के अंदर, अब मैं आपको एक सही तरीका बताता हूं इन फॉर्मूलास को याद करने का, तो उससे क्या है हमारे पास आंसर, देखो फॉर्मूले याद क्यों कर रहे थे, हमारी हमारी बेनिफिट के लिए याद किए थे हमने फॉर्मूलास है ना, अब हम फॉर्मूले तो हमें पता है लेकिन हमारे को फॉर्मूला उस तरीके से याद नहीं जिस तरीके से हमें याद होना चाहिए था, मैं समझाता हूँ बेटा तुम कैसे याद कर लेना फॉर्मूला, देखो ऐसे याद कर लेना, देखो आपको आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, आप बच्चों ने याद कर रखा वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, मैंने भी याद कर रखा, मना ही करा मैंने याद नहीं कर रखा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसको ऐसे याद करने की जगह अगर आपको ये वाला देखते ही पहले आपको ये याद है ज्यादा अच्छी बात है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स, तो जब भी आपको ये भी दिखेगा अरे यार ये वन प्लस कॉस एक्स दिख रहा है तो आपके दिमाग में अखरी की बात कि यार वन माइनस कॉस एक्स की कमी है, ये भी अखरी की बात हाथ की आती, तो वो साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको मैं कहता हूँ ऐसे भी याद रखो, मतलब ये ऐसे ही पता होना चाहिए उल्टा ही पता होना चाहिए, तो जैसी भी कमी अखरी की हम उसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे कॉस स्क्वायर एक्स दिखा आपको तो आपको याद है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, बिल्कुल याद है आपको, तो लेकिन आपको ये भी तो याद होना चाहिए ये वन माइनस साइन एक्स और वन प्लस साइन एक्स होता है, तो जैसे आपको कोई दिखेगा तो दूसरी वाली कमी अपने आप अखर जाएगी, ऐसे ही बेटा बाकी दोनों फॉर्मुले को याद करिएगा, जैसे आपको मेरे को पता है वन बराबर होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, आपने याद कर रखा है, लेकिन आपको ये भी तो याद होना चाहिए अगर sec x plus tan x दिखेगा तो कमी दिख रही है sec x minus tan x की, और sec x minus tan x दिखेगा तो आपको कमी दिख रही है sec x plus tan x की, अभी मैंने दो तीन कुछ डाउट सॉल्व किए तो मैंने ये मेरे दिमाग में ये फॉर्मूले थे सारे ना, मतलब मैंने फॉर्मूले को ऐसे ही याद कर रखा है बेटा है ना, sec plus tan x दिखता है मेरे को तो मेरा दिमाग फट नहीं ढूंढता है अरे sec minus tan कहाँ चले गया है ना, मेरे को वन प्लस साइन दिखता है तो मैं दिमाग ढूंढता वन माइनस साइन कहाँ चले गया, ठीक है ना, और ऐसे ही मैंने ये याद कर रखा है वन बराबर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो जैसे ही मेरे को इनमें से कोई चीज दिखती है तो मेरा दिमाग फट देने ढूंढने लगता है कि बाकी कहाँ है, और नहीं होता तो मैं उससे फट देने की मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ आपको और मैं बोलता हूँ आंसर आ जाएगा, समझ रहे बात को, अब जैसे मेरे को ये क्वेश्चन दिखता देखते ही समझ में आ गया था मेरे को, तो इस क्वेश्चन में एक लाइन का क्वेश्चन भी नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स दिखा मेरे को तो मैं सीधा ये लगाता यहाँ पे लाके, मैं तो सोचता ही नहीं वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स, और देखो देखते देखते आंखों में सॉल्व हो गया क्वेश्चन, तो साइन ही क्वेश्चन बताओ, वन का इंटीग्रेशन क्या होता था बता दोगे, एक्स होता है और कॉस साइन कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, मतलब तरीका समझ मेरी बात समझो बेटा, इसको आपने ऐसे याद करा और अच्छी बात है ये याद है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसे भी याद रख लो ना, बोलो बेटा समझ में आ गई ना, वरुण समझ में आ गई क्या बेटा,
क्वेश्चन नंबर 10 11 हो चुके हैं, 12 12वें पे आ जाओ। 12 तो हो ही गया, सॉरी 12 तो हो गया, मैंने गलत कॉपी कर ली, क्वेश्चन 12 था, 11 बीच में एक क्वेश्चन रह गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया, ये रह गया क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन 1 + cos x। अब जैसे अपॉन में 1 + cos दिखा तो दिमाग में बात आ गई कि इसका जोड़ीदार जोड़ीदार कहां है, कौन है इसका जोड़ीदार, 1 - cos x। बस मेरे बेटा ये बात दिमाग में आ जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1 - cos x से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 - cos x से डिवाइड कर दोगे। फिलहाल तो ऊपर वाले को छेड़ो भी मत, या मल्टीप्लाई करके रख लो, एक ही बात है। और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर लो, कॉस अपॉन साइन स्क्वायर को अलग और कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को अलग। फिर तो आपको इंटीग्रेट करना बहुत अच्छी तरह आता है। देखो अपना काम क्वेश्चन को सिंपल करना है, ना कि टफ करना है ना। और भी तरीके हो सकते होंगे सॉल्व करने के। हाँ जब बोलोगे तब कर देंगे और। हाँ बुला लो भैया, बुला लो, चलते हैं। एक क्वेश्चन का लास्ट लास्ट पूरा कर दे इसको। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक एक्स होता है। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट स्क्वायर एक्स होता है। बोलो बेटा। अब तो देखो cot x cosec x आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन पता है माइनस का, और इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, cot square x को cosec square x माइनस 1। अब इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लिया बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा cosec square x का माइनस cot x, तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का x आ जाएगा, प्लस का c आ जाएगा। आगे बेटा कल करते हैं, कुछ काम था अभी। इसको प्लीज प्रैक्टिस करिएगा, यहाँ तक प्लीज प्रैक्टिस करिएगा। हमारे पास होमवर्क हो गया, आज वापस प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, 1 से लेके 12 तक प्रैक्टिस करेंगे, आगे नहीं करेंगे अपने आप। बेटा 1 से लेके 12 तक ही करोगे, 7.3 में आगे नहीं करोगे वरुण। अभी फिलहाल आगे नहीं। हाँ हाँ मैं बुक पकड़ लिया, मैं बुक अभी बैग में रख रहा हूँ, बुक कल आ जाएगा ऑफिस, है ना। कल ऑफिस आ जाओ ना। हाँ हाँ कल 2 बजे। सॉरी 1:40। ओके थैंक यू बेटा, बाय। थैंक यू सर।